और अगली खबर चंदौली से आ रही है। चंदौली के कोचिंग के शिक्षक ने 5 साल के दिव्यांग बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिक्षक की पिटाई से बच्चे की पीठ बुरी तरह जख्मी हो गई। पिटाई से बच्चा आधे घंटे तक बेहोश भी रहा। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि शिक्षक के कहने पर वो क ख नहीं लिख पाया। दिव्यांग बच्चा अपने भाई के साथ 2 दिन से कोचिंग सेंटर जा रहा था। बच्चे जब घर पहुंचे और घर वालों को पूरी बात बताई तो नाराज परिजनों ने थाने में कोचिंग संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। घटना के बाद से कोचिंग संचालक फरार बताया जा रहा है। दरअसल धानापुर थाना क्षेत्र के कवई पहाड़पुर गांव का रहने वाला ईशु कोचिंग में पढ़ता है। उसका 5 साल का दिव्यांग भाई जो कि बोलने में असमर्थ है, कोचिंग में ईशु के साथ गए। उसके दिव्यांग भाई को कोचिंग संचालक शिक्षक चंदन यादव ने क ख ग लिखने को बोला, लेकिन दिव्यांग बच्चा नहीं लिख पाया। इसी बात से गुरुजी इतने नाराज हुए कि बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। दिव्यांग है लेकिन इशारों से वो बताता था, उसका बैग पकड़ के कहता था कि मम्मी मैं भी यहाँ जाऊंगा, इशारों से बताता था। और 2 दिन से वह जा रहा था वहाँ पे। आज स्कूल में टीचर, अरे कोचिंग में टीचर से पता नहीं क्या हुआ कि उसने इसको बुरी तरह मारे पीटे थे। तो उसमें लोग आए थे करीब लगभग 2 बजे करीब। तत्काल जो है मौके पर जो है पैंथर को भेजा गया, मुलजिम नहीं मिला। इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज हो गई है मुकदमा, और दरोगा जी को जो है रामकरण यादव को। आज बुलेटिन में साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। साथ ही आप हमारे